students, in this video I will continue from here. Okay, standard 6 subject SS subject. Earth is students, मैं आपको बता देना कि अभी 20-20 minutes के lectures मिलेंगे आपको. okay, क्योंकि बहुत बड़ा video होता है तो problem होती है. okay, तो 20-20 minutes के दो video आएंगे. okay, आधा इसमें चला होगा आधा उसमें चला होगा, इसलिए अभी ज़्यादा मैं बार बार अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी. ओके बच्चों, ओके. अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज लाइक एन ऑरेंज. द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट एंड इज स्लाइटली इनफ्लेटेड एट इक्वेटर. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोल सर्कल. We can know the volume and weight of the earth. In order to study about earth, it is used as a circular device. Okay, अब earth एक ball के जैसा round नहीं है. ball जैसा round होता है ना, ball उस तरीके से नहीं, लेकिन वो एक orange जैसा है. orange you know, ball तो एकदम round होता है, orange अलग अलग shape में होता है थोड़ा सा. राउंड तो होता है लेकिन वो राउंड एकदम राउंड नहीं होता, उसका शेप ही अलग होता है, है ना. तो बॉल के जैसा राउंड नहीं है पर वो ऑरेंज जैसा राउंड है, ऑरेंज जैसा. ओके, अब अर्थ के जो पोल्स है, अर्थ के पोल्स जो है वो एकदम स्लाइटली कैसे फ्लैट है और थोड़े से अनफ्लैटेड भी है. ओके, इक्वेटर से. पर क्या है सेंटर, जो अर्थ का सेंटर होता है ना, ये देखो पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट. ये सैटेलाइट में से अर्थ की पिक्चर ली है, अर्थ की कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट में से अर्थ की पिक्चर ली. तो द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोल्स. ये पोल्स स्टार, इससे जो सेंटर होता है वो लार्ज ही होता है ना बच्चों. ये पोल होता है तो ये बीच वाला जो रास्ता होता है वो ब्रॉड ही होता है ना, हाँ लार्जर बड़ा ही होता है ना. अब हम लोग ये जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है और वेट क्या है अर्थ का. ओके, इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ इट इज यूज्ड एज सर्कुलर डिवाइस. अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट. अ मैप ऑफ द अर्थ वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट. कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड important lines are drawn on it. The globe is a small replica. The globe is a small replica of the earth. On the circle of earth you can show north pole and south pole. With the help of globe it can be said that earth is tilted towards one side. Okay, aisa mana jata hai ki अर्थ का वॉल्यूम एंड वेट तो हमें पता चल जाता है, हम जान भी सकते हैं. पर ऐसा माना जाता है अर्थ की जो स्टडी है उसमें से ये पता चलता है, बस हम स्टडी करें कि पृथ्वी गोल है, यानी इट इज़ यूज्ड एज अ सर्कुलर डिवाइस. सर्कुलर डिवाइस में ओके हम यही नाम सके, ये पृथ्वी गोल है. ओके, इट इज़ यूज्ड एज अ सर्कुलर. अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रोन ऑन इट. आपने ये ग्लोब है वो आपकी, एक बात बोलूँ, ये ग्लोब है हर एक स्कूल में कंपलसरी. ओके बच्चों, कंपलसरी रखते ही सारे स्कूल, क्योंकि ग्लोब स्टडी लेवल स्टडी के एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ ग्लोब रखते ही. ओके, मोस्टली कभी कभी ऐसा भी हो गया कि कई कई जगह ऐसी ऑफिस होती है तो वहाँ पर भी ग्लोब रखते हैं, कि वो एक फैशन के हिसाब से भी कई कई जगह ग्लोब रखते हैं. ओके, तो जो वर्ल्ड का जो मैप होता है, वर्ल्ड का मैप, वो उसके ऊपर ड्रॉ किया होगा. आई होप कि आपने सब ने सिक्स स्टैंडर्ड में आ गए हो तो अपने स्कूल में भी ग्लोब, स्कूल की जो ऑफिस होती है ना प्रिंसिपल की, उसमें ग्लोब होता है, ये छोटा या बड़ा. ओके, लेकिन ग्लोब अभी हर जगह स्कूल में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रखना जरूरी है. ओके बच्चों, उसमें कॉन्टिनेंट्स ओशियंस एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स होती है उसके ऊपर ड्रॉ किया गया होता है. ओके,
क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना, सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके थोड़ी चलेगा। सेवन कॉन्टिनेंट्स, सेवन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितनी सारी तो कंट्रियाँ है, सेवन कॉन्टिनेंट्स उसमें बहुत सारी कंट्रियाँ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, ओशियंस इतने सारे, इंपॉर्टेंट लाइन्स ड्रॉ की होती है। तो एक ग्लोब होती है वो स्मॉल रेप्लिका, यानी मतलब रेप्लिका मीन्स डुप्लीकेट होता है, मतलब वैसे का वैसे समझ में आया, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी हमको ये दिखाता है कि हम कहाँ हैं, ये कहाँ है, ओके। रेप्लिका मीन्स प्रतिरूप के, प्रतिकूल रूप की बोलते हैं जिसको। ऑन द सर्कल ऑफ अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, यू इट कैन बी सेड द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स वन साइड। अब हम लोगों को पोल पर सब कुछ दिख सकते हैं, ओके, पर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के साथ नहीं देख सकते, ओके भैया। नॉर्थ और साउथ दोनों, हाँ दूर से देख सकते हैं जैसे अंतरिक्ष में जाके, ओके। और ऐसा माना जाता है कि ग्लोब जो है वो एक साइड थोड़ा सा टिल्टेड, टिल्टेड मीन्स झुका हुआ होता है, एक साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है ग्लोब, ओके। आपको देखना है तो देख सकते हो ये वाला, ओके। नाउ पोल स्टार, पोल स्टार मीन्स जिसको ध्रुव का तारा भी बोलते हैं, पोल स्टार, ओके। देयर इज अ स्टार, देयर इज अ स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज अपियर्स इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम प्लेस। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार, हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार, यानी स्काई में जो जो स्टार्स होते हैं, ऐसा स्टार, एक पोल स्टार मीन्स स्काई में एक ऐसा स्टार होता है जो ऑलवेज किस तरीके से अपीयर होता है, ए सेम डायरेक्शन एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, और वही टाइम में हमें जो दिखता है ना वो है पोल स्टार, ओके। द पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशंस सप्तऋषि। पोल स्टार है वो इजीली डिटेक्टेड, डिटेक्टेड मीन्स कैसा होता है, डिटेक्टेड मीन्स पकड़ना, पकड़ लेना, यानी डिटेक्ट करना यानी पता लगाना, ओके। तो उसको कैसा होता है, पोल स्टार होता है वो एकदम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशंस सप्तर्षि, सप्तर्षि जो नक्षत्र है, सप्तर्षि नक्षत्र की हेल्प से जो पोल स्टार होते हैं वो इजीली जो इजीली जो कुछ होता है उसका पता लगा सकते हैं, ओके। यू विल सी अ ब्राइट स्टार वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फेबुलस लाइन कनेक्टिंग द टू स्टार्स इन फ्रंट ऑफ सप्तऋषि, दैट्स द पोल स्टार। People who travel by sea or who travel in desert can easily find polar star. The direction in which the star appears in is north. It is visible only the in northern hemisphere due to its stability and nearly circular shape of the earth. It cannot be seen from the southern hemisphere. अब कैसा होता है, जो पोल स्टार होता है उसको रिकॉग्नाइज किस तरीके से करें, तो कैन जो पोल स्टार होता है वो सप्तर्षि कॉन्स्टेंट जो नक्षत्र होता है उसकी हेल्प से उसका पता लगाते हैं, ओके। और हम लोग ये ब्राइट स्टार है उसको ये जो पोल स्टार है उसको घूमते हुए भी देख सकते हैं, ओके। सप्तर्षि के जो फ्रंट में टू स्टार्स होते हैं ना वो उसको भी कनेक्ट करता है, ओके बच्चों। द पोलर स्टार, पीपल वो ट्रैवल बाई सी और वो ट्रैवल इन डेजर्ट कैन ईजिली फाइंड पोलर स्टार। अब पोलर स्टार यहाँ तो हमारा बच्चों पोल्यूशन है,
पॉल्यूशन इतना सारा है ना कि हमारा स्काई है ना पूरा बोलते ना फिश भर के जो पॉल्यूशन होता है उससे भरा हुआ है, मतलब इतना पॉल्यूशन है ना अहमदाबाद में कि ना मानो। ओके, तो एक्चुअली पोल स्टार होते हैं ना जो आप अगर आप लोग ट्रैवल सी पर सी के थ्रू डेजर्ट में आप अगर फाइंड आउट करोगे तो वहाँ आपको पोल स्टार जो होते हैं स्टार वो इजीली देखने को मिलते हैं। द डायरेक्शन इन विच ही स्टार द स्टार अपीयर्स इज नॉर्थ, इट इज विजिबल ओनली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द और इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब कैसे होता है, किस तरीके से कि जो नॉर्थ होता है नॉर्थ वो दिखता है स्टार्स जिस डायरेक्शन में स्टार्स होता है वो दिखना है। पोलर स्टार कैसा होता है कि वो दिखता है लेकिन हमें हमारे यहाँ के सिर्फ पॉल्यूशन ज़्यादा है बच्चों, अब जो देखते ही हो कि कितना सारा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से क्या स्काई और उसके पहले एक पतली सी लेयर बन जाती है पॉल्यूशन की। ओके बच्चों, कि इतना सारा पॉल्यूशन है जैसे हमारे घर में कचरा उड़ के आता है तो वो ऊपर सब दीवारों पर नहीं है वो हो जाता है, उसी तरह इसका भी ऐसा ही। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू बच्चों। ओके, सो बाय।